हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में। देखो, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो बंदे सब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ना सेपरेट सेपरेट वीडियोज़ कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो बना रहे हैं, उसमें अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो या बाकी सारी चीज़ें डिस्कस हो। तो हिस्ट्री के लिए अलग ब्लॉग बन रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए अलग ब्लॉग बन रहा है, फिर ज्योग्राफी के लिए अलग ब्लॉग बन जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का अलग ब्लॉग बन रहा है। तो अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल अफेयर्स, ये दोनों से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग का वीडियो था आरटीआई को लेके, और इंटरनेशनल अफेयर्स में हमारा वीडियो था ब्रिक्स का जो रिसेंट वर्चुअल समिट हुआ था। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर लें, यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा गुरुकुल वेबिनार, और आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अभी के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में, जिसमें सबसे पहले आ जा रहे जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख जी। तो देखो, ये जो पिक्चर आ रहा है ना हमारे सामने, ये है जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। इनका योगदान हमारे इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा है। जब भी देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेज़ों से लड़े, उसके बाद फिर जब देश आज़ाद हो गया, तो लोकतांत्रिक तौर तरीके जो उस समय सरकार अपनाती थी, ये उससे लड़े। तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, ये डेट हमेशा ध्यान में रखना। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1979 को, ठीक है। तो अभी अचानक से हम लोग जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख का क्यों डिस्कशन करने लगे, ये बहुत बड़ा बात है कि हम लोग अचानक से इनको क्यों याद कर रहे हैं। एक्चुअली में ये सारे तो महापुरुष, इनको तो हर दिन याद करना चाहिए, बट फिर भी आज का ब्लॉग हमारा इसलिए है क्योंकि इन दोनों का बर्थ एनिवर्सरी अभी रिसेंट में पार हुआ है, ठीक है। 11 अक्टूबर को इनका दोनों का, नानाजी देशमुख का भी और जयप्रकाश नारायण जी का भी, दोनों का बर्थ एनिवर्सरी था, इसीलिए आज हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ इनका क्या था, ठीक है, 11 अक्टूबर 1902, ये याद रखना होगा। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1979 को, ठीक है ना, 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म हुआ था सिताब दियारा, सिताब दियारा गांव का नाम है, ठीक है, सिताब दियारा गांव का नाम है, जिला बलिया, और राज्य क्या हो जाएगा, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ था, ये नोट कर लेना। इनकी जो शिक्षा हुई, ये शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया था अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से शिक्षा लिए, और वहीं पर ये मार्क्सवाद से काफ़ी प्रभावित हो गए। तो भारत जब ही आए ना, भारत ये 1929 को आए, भारत आने के बाद ये शामिल हो गए सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में। गांधी जी भी भारत आए थे, 1915 में आए थे, तो वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ही उस समय सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी देश में, ठीक है। तो जो भी लोग देश सेवा करने का मनोभाव रखते थे, वो कांग्रेस में ही शामिल हो जाते थे। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, और 32 में, जस्ट 3 साल के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का था, इसमें पार्टिसिपेट करने के कारण इनको जेल की सजा सुना दी गई। 1 साल के लिए ये जेल गए थे उस समय। अगला चीज देखो, इन्होंने ना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, ये एक तरह का वामपंथी समूह था, ठीक है ना। अभी देखो, अभी का पॉलिटिक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि नेताओं को ना अपने पार्टी के राय के विपरीत कुछ बोलने की भी आज़ादी नहीं है, वो बोल भी नहीं सकते हैं। आप किसी भी पार्टी की बात करो, ठीक है ना, बीजेपी की बात करो या कांग्रेस की बात करो, ठीक है ना, कोई भी पार्टी में लोग ना अपने पार्टी की राय से अलग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। लाइक जैसे कि पार्टी की राय ही भाई सब कुछ हो गई, बट उस समय ऐसा नहीं था। उस समय देश में ना लोकतंत्र काफी अच्छा था, तो इनको इस चीज की अनुमति भी मिली थी कि ये वामपंथी समूह बनाए। इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन किया, ठीक है, और 1939 में इनको फिर से जेल में डाल दिया गया। अभी इन्होंने क्या कांड किया, ठीक है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अभी द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज चाह रहे थे कि भारतीय उनका साथ दे, और ये नहीं चाहते थे वो, ठीक है, इसीलिए इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। 1948 में ना, देश आज़ाद होने के बाद, 1948 में, ये देखो ईयर बाय ईयर बता रहे हैं, ठीक है ना, 1948 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी,
और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया इन्होंने, ठीक है, कांग्रेस छोड़ दी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। और 1954 में इन्होंने भूदान, अच्छा भूदान आंदोलन के बारे में ना हम पहले जान लेते हैं, ठीक है ना। भूदान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, अगर आप मॉडर्न इंडिया के बारे में जानोगे, ठीक है ना, तो भूदान आंदोलन के बिना तो ये अधूरा है, ठीक है। भूदान आंदोलन ना विनोबा भावे के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, विनोबा भावे के नेतृत्व में हुआ था। ये भूदान आंदोलन में करते क्या थे ना विनोबा भावे जी, ये पैदल चल के गाँव गाँव विजिट करते थे, और जिन भी लोगों के पास बहुत जमीन होता था, जो भूस्वामी होते थे, ठीक है, उनको आग्रह करते थे कि आप अपनी जमीन का कम से कम 1/6 हिस्सा, ठीक है, वो ऐसे लोगों में दान कर दीजिए जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है। तो अब भूमि सुधार पर सरकार भी काम कर रही थी, लेकिन उनको पता था कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, ठीक है, ये चीज संभव नहीं है भारत में। तो भूमि सुधार पर इन्होंने काफी अच्छा काम किया था विनोबा भावे जी ने। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जितने भी भूस्वामी थे उनको बोला कि 1/6 हिस्सा जमीन आप अपना कम से कम किनको दान कर दीजिए, जो भूमिहीन लोग हैं, ठीक है। और उनके इस आंदोलन के कारण, ठीक है ना, लोग उनको मानते भी बहुत थे, तो वो पूरे भारत में भ्रमण किए। उसके उनके इस आंदोलन के कारण मार्च 1956 तक, ठीक है, करीब 40 लाख एकड़ जमीन, ठीक है, ये देखो क्वांटिटी देखना, ठीक है ना, और विनोबा भावे जी का पॉपुलैरिटी देखना। अभी कोई किसी को बोल देगा, ठीक है ना, कि आप अपना थोड़ा सा जमीन दे दो, भाई लड़कट के बराबर हो जाएंगे, लेकिन जमीन का एक टुकड़ा नहीं देंगे, एक सुई नहीं देंगे। महाभारत का युद्ध, ठीक है, जमीन ही तो था वहां पर, ठीक है ना, 5 गांव मांगे था, तो जो बोले कि नहीं भाई सुई का नोक के बराबर भी नहीं देंगे, कौरव ये बोले थे ना, ठीक है। और इनके नेतृत्व में, विनोबा भावे जी के नेतृत्व में 40 लाख एकड़ से अधिक जमीन जो है ना दान हुआ था, मतलब जो भूपति सब थे, जो भूस्वामी थे, उन्होंने दान किया इतना जमीन, ठीक है, भूमिहीनों को। तो इनका ना बहुत बड़ा योगदान है विनोबा भावे जी का। तो अब हम आते हैं इसमें, ठीक है, 1954 में, 1951 का ही था भूदान आंदोलन ना, 1951 में शुरू हो गया था विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन 1951 में शुरू हो गया था। लेकिन ये जो आंकड़ा मैंने बताया ना 56 तक 40 लाख एकड़ से अधिक भूमि दान में मिल चुकी थी। तो 1954 में ये काफ़ी ना प्रभावित थे विनोबा भावे से, जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी है ना, विनोबा भावे से काफ़ी प्रभावित थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई हम अब अपना अगला जीवन ना भूदान आंदोलन के लिए समर्पित करेंगे। उसके बाद एक और काफ़ी महत्वपूर्ण घटना हुई 1959 में, उन्होंने मतलब कि एक अवधारणा पेश किया, ठीक है ना, भारतीय राजनीति कैसी होनी चाहिए, उस पर तो हम लोग अभी भी काफ़ी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, काफ़ी दूरदर्शी थे जयप्रकाश नारायण जी हमारे। उन्होंने क्या कहा ना, 4 स्तरीय पदाक्रम, मतलब कि 4 स्तरीय शासन को उन्होंने बताया, ठीक है ना। पहला हो गया गाँव ग्रामीण स्तरीय, दूसरा हो गया जिला स्तरीय, तीसरा हो गया राज्य स्तरीय, चौथा हो गया संघ परिषद सब, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी हद तक इसको अभी भी फॉलो करते हैं। और उसके बाद हुआ सबसे बड़ा कांड, ठीक है ना, 1975 के आसपास सबसे पहले हुआ क्या था ना, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, काफ़ी शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी वो, ठीक है ना। 1971 में आपको 71 में आपको पता है पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो गया था, ठीक है ना, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था इंदिरा गांधी को। लेकिन हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, इंदिरा गांधी भी परफेक्ट नहीं थी, ठीक है, उनके अंदर भी सत्ता का एक लालच कहीं ना कहीं तो था। तो 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट, इन्होंने इंदिरा गांधी को ना अयोग्य घोषित कर दिया। अब अयोग्य घोषित करने के बाद उनके ऊपर काफ़ी दबाव पड़ने लगा, खासकर जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, ठीक है ना, जो उस समय में सुधारवादी लोग थे, ठीक है ना, उनका काफ़ी दबाव था, ठीक है ना, कि लोकतंत्र में अगर आपको न्यायालय ने ही अयोग्य घोषित कर दिया तो आपको तो अपने पद से उतर जाना चाहिए, आपको अपने कुर्सी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी आंदोलन चलाया। दिल्ली में रामलीला मैदान जो है ना, वहाँ पर उनके आह्वान पर 1 लाख से ज़्यादा लोग आए, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा लोग आए। और इसी के कारण रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना, जो कि बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने एक कविता लिखी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ठीक है। कविता का शीर्षक क्या था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बोलने का यहाँ पर ये मतलब है कि लोकतंत्र में सिंहासन जो है ना, वो किसी का बपौती नहीं है, ये सिंहासन जनता का है, और जनता जिसे पसंद करेगी वो उसे वहाँ पर बैठाएगी, ठीक है। वो किसी का बपौती सिंहासन नहीं है कि वो ही जाके वहाँ पर बैठे रहे, वो उठने का नाम नहीं ले। तो ये कविता का पूरा सार यही है हमारा,
ठीक है। और ये जो लोकनायक हमारे जयप्रकाश नारायण है ना, ठीक है, उनके प्रभाव में आकर लिखा गया था ये कविता एमरजेंसी, ठीक है। ये 25 जून 1975 को शुरू हुआ था, मैं डेट पूरा क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है, 25 जून 1975 को शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ था 21 मार्च 1977 को। तो डेट फिर से बोल रहा हूँ, 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक टोटल 21 महीने तक इमरजेंसी चला था। अब हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी को जब बोला कोर्ट ने कि भाई आप तो जाओ अब, ठीक है ना, आप अयोग्य हो, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बोला भाई देश में बहुत विरोध होने लगा, और ये तो जयप्रकाश नारायण जी तो ये तो खुल्लम खुल्ला विरोध करने पर उतर आए थे, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और संपूर्ण क्रांति में देखो सात क्रांति का उल्लेख था, ठीक है ना, सात स्तंभ थे इसके, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, बौद्धिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई अब संपूर्ण क्रांति का समय आ गया है, अभी शासन किसी का भी कैसे टिकता है, कोई भी शासन रहता है, ठीक है ना, वो तो बल के बल तो उसमें काफी बहुत जरूरी हो जाता है, बिना बल के कोई भी शासन टिकेगा ही नहीं। तो उन्होंने पुलिस बल या फिर जो भी इस तरह के बल थे, ठीक है ना, उन्होंने उनसे आग्रह करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, कि आप लोग सब अब ये जो सरकार है ये अलोकतांत्रिक सरकार हो गई है, आप इस अलोकतांत्रिक सरकार की बात ना सुनिए, ठीक है ना, ये सरकार अब देश के जनता के दिल में नहीं बसी हुई है, ठीक है ना, आप इस सत्ता के जो भी आदेश होते हैं उसको ना मानिए, आप इस शासन को उखाड़ फेंकिए, ठीक है, ये खुल्लम खुल्ला ये नारा देने लगे। तो ये फिर से जेल चले गए, ठीक है, इंदिरा गांधी उस समय इनको देखना नहीं चाहती थी। और इस तरह की बातों की वजह से ना इंदिरा गांधी ने बोला क्या कि भाई अब देश में विद्रोह हो गया, विद्रोह की स्थिति हो गई है, ठीक है, तो विद्रोह की स्थिति में हम क्या करते हैं, हम इमरजेंसी लगाते हैं। तो बाद में हमारे संविधान से ना जो आंतरिक विद्रोह है, ठीक है ना, वो उसको सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया इसके कारण है, ठीक है ना, क्योंकि विद्रोह देखो क्या होता है, अगर जनता शांतिपूर्वक कोई मांग कर रही है, ठीक है ना, तो तुम उसको विद्रोह नहीं बोल सकती है, ठीक है, तुमको उसका बात सुनना पड़ेगा, शांतिपूर्वक विद्रोह का हक तो सभी को है, ठीक है, विद्रोह तुम उसी स्थिति में बोल सकती है या फिर तुम उसी स्थिति में इमरजेंसी लगा सकती है जब ये सशस्त्र हो, ठीक है, लोग हथियार लेके उतर जाएं, ठीक है, तो ही ये विद्रोह होगा, तो ही इमरजेंसी लग सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और हम लोग का लोकतंत्र का ना सबसे बड़ा खूबसूरती है कि कोई भी आदमी हो, ठीक है ना, अगर वो कुछ अच्छा काम किया हुआ रहता है ना, उसका काम हो सकता है वो सरकार छुपा दे, ठीक है, लेकिन बाद में उसके अच्छे काम ना सबके सामने जरूर आएंगे। 1998 में तुम्हारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न का सम्मान मिला, ऑल्दो इनकी मृत्यु 1979 में ही हो गई थी, 1979 में हो गई थी, करीब 21 साल के बाद इनको, सॉरी 11 साल के बाद इनको भारत रत्न का सम्मान मिला। तो काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, ठीक है ना, काफ़ी शक्तिशाली नेता थे, भारतीय राजनीति में इनका काफ़ी प्रभुत्व था, ठीक है ना, काफी इनका वर्चस्व था। तो हम लोग देख लिए जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कब हुआ, उसके अलावा इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, कांग्रेस में कब आए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल चले गए, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, उसके बाद 1939 में फिर से जेल गए, उसके बाद 1948 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये पार्टी उन्होंने बनाई, और भूदान आंदोलन जो था, ठीक है ना, उनके लिए ये काफी हद तक समर्पित हुए थे। इन्होंने जो चार स्तरीय पदानुक्रम है, ठीक है, इसको फॉलो करने का अवधारणा दिया था। तो चार स्तरीय जो पदानुक्रम था, ठीक है, वो क्या था, गांव था, जिला था, राज्य था और संघ परिषद था, ठीक है ना, ये चार स्तरीय शासन था। उसके बाद फिर इमरजेंसी लग गया, इमरजेंसी में इनका योगदान, ठीक है ना, जनता दल का इन्होंने गठन किया था, जनता पार्टी का, सॉरी, या जनता दल जो भी बोलो, ठीक है ना, इसका इन्होंने गठन किया था, ठीक है। और तो जनता दल ना भारत का पहला ऐसा मतलब गैर कांग्रेसी दल था जिसके प्रधानमंत्री भारत में हुए थे, ठीक है, तो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, ठीक है ना, ये जनता पार्टी से ही रिलेटेड थे, और ये भारत के पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने थे 1977 में, जब इमरजेंसी खत्म हुआ और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस की भारी हार हुई,
ठीक है, तो इससे एक ये भी सीख मिलता है कि भारत के लोग ना इतने भी बेवकूफ नहीं है कि आप सिंहासन पे फेविकॉल जमा के बैठे रहो और उनको समझ ना आए। ठीक है, वो सब समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, चाहे आप कितने भी लोकप्रिय ना रहे हो। ठीक है, कितने भी लोकप्रिय आप रहे हो, ठीक है ना, लोगों को इतना समझ है कि हमारे नेता कैसे हैं और हमें कब कहाँ कैसे लोगों को चुनना है। तो मोरारजी देसाई 1977 में हमारे पहले नॉन कांग्रेसी पीएम बने थे। जनता पार्टी का गठन किया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। इनकी मृत्यु हो गई थी 8 अक्टूबर 1979 में और इनको भारत रत्न मिला था 1998 में। अभी देखो, अब हम देख लेते हैं नानाजी देशमुख जी को। नानाजी देशमुख जी का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1916 को, ये ध्यान में रखना। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1916 में। मैंने पहले ही बोला कि नानाजी देशमुख और जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म दिवस एक ही है, साल में अंतर है, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जी इनसे काफ़ी बड़े हैं, 1902 में इनका जन्म हुआ था और नानाजी देशमुख का जन्म हुआ था 1916 में। इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 2010 में। ये देखो नानाजी देशमुख का पिक्चर है, ठीक है ना, ये इनका फोटो है, ये फोटो अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। देखो ये सारे महापुरुष हैं, ठीक है ना, इन्होंने हमारे देश के लिए और हमारे लिए बहुत किया है, ठीक है। तो इतना तो हमारे लिए भी बनता है कि हम जब भी इनको देखें तो हमारे मन में एक श्रद्धा आए, ठीक है। इनका पूरा नाम था चंडिका दास अमृत राव देशमुख, ठीक है, पूरा नाम था चंडिका दास अमृत राव देशमुख, ठीक है, ये नाम याद रखना, चंडिका दास अमृत राव देशमुख। इनका जन्म हुआ था बलरामपुर में, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो हमारे जयप्रकाश नारायण जी भी उत्तर प्रदेश के थे और जो नानाजी देशमुख जी थे ये भी उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1916 को, मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 2010 को। जन्म हुआ था बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। ये भी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता थे। इन्होंने आरएसएस, ये आरएसएस के सदस्य थे, ठीक है ना, और जनसंघ की संस्थापना में ना इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, ठीक है। आरएसएस के भी सदस्य थे और जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। और जो ये हुआ था ना, आपातकाल लगा था तो जयप्रकाश नारायण जी के साथ इन्होंने भी बहुत योगदान दिया था उस आपातकाल को खत्म करने के लिए, उखाड़ के फेंकने के लिए। और जो जनता पार्टी बनी थी ना जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, उस जनता पार्टी के गठन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, एक नंबर का, देश का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय, ठीक है, देश का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय ये है चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ठीक है, ये ध्यान में रखना, मध्य प्रदेश में है देश का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश में। तो इसकी स्थापना नानाजी देशमुख ने ही की है। सरस्वती विद्या मंदिर, आरएसएस संचालित स्कूल है ना सरस्वती विद्या मंदिर, ठीक है, इस स्कूल की भी जो श्रृंखला है ये भी पूरे भारत में शुरू इन्होंने ही की है, नानाजी देशमुख ने। 1999 में इनको पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण, सॉरी भूषण नहीं, याद रखना, पद्म विभूषण। 1999 में इनको पद्म विभूषण मिला था और 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो हो गया 1999 में पद्म विभूषण और 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। तो हमने आज दो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का जिक्र किया है, एक है जयप्रकाश नारायण जी, दूसरे हैं नानाजी देशमुख जी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहे ताकि मैं भी मोटिवेटेड होता रहूँ ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, ट्विटर का लिंक है और लिंक्डइन का भी लिंक है। तो आज के लिए थैंक्स अ लॉट। और एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने ना वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स भी शुरू किया है, ये भी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप मेरा ये वीडियोस भी ज़रूर देखें, ये वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। थोड़े थोड़े देर का वीडियो है, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है, आप अगर सिर्फ ये सारे वीडियोस को देखते चलेंगे तो बाद में कभी आपको प्राइवेट जॉब्स वगैरह की ज़रूरत हो, या फिर आप प्राइवेट लाइन में किसी कारण से आना चाहो, या फिर आप अर्निंग के साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहो, तो ये आपको उसमें मदद करेगी काफ़ी।
तो प्लीज़ मेरे वो वीडियोस को भी ज़रूर देखें। अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।